तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में मैं यहां से आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2022-23 हेतु कक्षा नवी के आपके संस्कृत विषय के पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, तभी जाके आपको पूरा ये वीडियो और इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आ पाएंगे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा नौवीं का आपका संस्कृत विषय के क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना चाहिए। आप सभी लोग यहां से इसको देख सकते हो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारे द्वारा यहां से आपको दिखाए जा रहे हैं। आप सभी लोग यहां से इस क्वेश्चन पेपर में से सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से जरूर देख लें ताकि आप सबको सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आज हम पूरा वार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा नौवीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से इसको समझने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में कितने प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और आप सबको इनकी तैयारी को कैसे कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत विषय की तैयारी आपको प्रश्न बैंक में से ही करना है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो पेपर होगा ये प्रश्न बैंक में से बनकर आएगा। मगर यहाँ से भी कुछ मैं आपको अति महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। तो देखिएगा एक बार आपको ये करना है कि ध्यानपूर्वक आप सभी को इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आप सभी लोग यहाँ से इनको पढ़ लें और ये इनके उत्तर लिखे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको भी देख लें और इनके उत्तरों को भी देख लेंगे। वह उसी के अलावा यहाँ से आपसे आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी, आप लोग यहाँ से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख ले अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपरली आपको बहुत अच्छे से ये नज़र आ रहे होंगे और इसी के नीचे ये इनके उत्तर दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देख लें अच्छे से और नोट कर लें। वह उसी के नीचे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं इकाई तीन में। तो देखिएगा शब्द रूपाणी उपसर्ग संज्ञा पदस्य युग्मलम् कुरुत, यहाँ से आप लोगों को इनको पूरा देख लेना है और यहाँ पर ये इनके उत्तर लिखे हैं। तो आप सभी लोग यहां से इनको अच्छे से देख लें और इनकी तैयारी को पूरा कर लें। व उसी के अलावा इस जगह से आपसे धातु रूपाणी पूछी गई है, तो आप लोग यहां से इनको पूरा पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और एक बार आपको इनके उत्तरों को जरूर चेकआउट कर लेना है। व उसी के अलावा यहां से शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना, यानी कि ये आम ना आपसे पूछे गए हैं, टोटल ये 15 है। तो आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और इनको समझ भी लेंगे, टोटल 15 आम ना आपसे पूछे गए हैं और ये इनके उत्तर लिखे गए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें और इनको करना सीख भी लेंगे। व उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, कवि का संबोधयति, तो देखिएगा यहाँ पर टोटली आपसे 15 प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ से इनको देख लें और इनको नोट भी कर लेंगे। तो 15 प्रश्नों के उत्तर ये यहाँ पर लिखे हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और इनको अच्छे से याद भी कर लेंगे। व उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं वर्ण परिचय दे, तो देखिएगा इस जगह से आपको ये जो वर्ण परिचय लिखा है आप सभी लोगों को इनको अच्छे से देख लेना है और इनको समझ भी लेना है। व उसके अलावा ये इनके उत्तर लिखे हैं चतुर्दशी पंचवशी, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और नोट कर लें। व उसी के अलावा किसने किससे कहा, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो खासकर आप लोग ऐसे ये 10 को तैयार कर लें, ये आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे और ये इनके उत्तर लिखे गए हैं। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है रेखांकित पदानी अदर प्रश्न निर्माण कुरुत, आपको इन प्रश्नों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कर लेना है और ये इनके उत्तर लिखे हैं। व उसी के अलावा यहाँ से आपको अशुद्ध कारकों को शुद्ध करके लिखना है, ये अशुद्ध कारक दिए गए हैं और ये इनके शुद्ध वाले उत्तर हैं, तो आप लोग इनको भी देख लेंगे और इनको हल करना भी सीख लेंगे। व उसी के अलावा कुछ और प्रश्न हैं, और प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आप सभी लोग देख लेंगे, ये आपके गद्यांश से जो कि आपके पुस्तक में दिए गए हैं और उसमें से फिर ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिएगा इनको आपको किस प्रकार से पढ़ लेना है, इसको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इनके उत्तर को लिख लेना है। ये यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, ग्राम में क्या न्यस्वत, तो ग्राम में एकन निर्धना वृद्धा स्त्री न्यस्वत, देखिएगा ये आपको इसी प्रकार से आपके पेपर में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ढूंढ ढूंढ कर इनके उत्तरों को इस प्रकार से लिख देना है। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो एक इस वाले को भी आपको देख लेना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन होंगे तीन और ये तीन इनके उत्तर लिखे हैं।
व उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, प्रकृति समेसा प्राणिनाम संरक्षण यतति। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से देख लेना है और ये इसके क्वेश्चंस है और ये इनके उत्तर लिखे हैं, आप लोग इनको अच्छे से देख लें। व आगे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वृत्तम यत्नेन संरक्षण विलोमति चा याति चा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से इसको देख लें, ये प्रश्न है और ये यहाँ पे इनके उत्तर लिखे हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। व उसी के अलावा आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देखते चलें, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये इसका उत्तर लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसके प्रश्न उत्तरों को याद कर लें। व उसी के अलावा ये जो लिखा है ये नाटक है, एक नाटक आपको दिया जाएगा इस प्रकार का और उसमें से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप सभी लोग इनको देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखें, 3 को देख लें और 3 के बाद में 4 को देख लें, टोटली आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो देख सकते हो टोटली आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग इनको देख लें और उसके नीचे ये इनके उत्तर भी लिखे हैं। और कुछ आप प्रश्नोत्तरों की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी 2 श्लोक याद कर लेना है, आपकी पाठ्य पुस्तक जो भी दे रखी है ना उसमें से कम 2 नहीं 4 श्लोक याद करें, क्योंकि 2 आपके पेपर में भी आ जाएंगे तो 2 ऐसे पूछेंगे जो आपके पेपर में नहीं पूछे गए हैं, तो कम से कम 4 श्लोक आप लोग याद करेंगे। और उसी के अलावा कोई सा भी आपको एक पत्र लिखना सीख लेना है, और इसके अलावा ये अपठित गद्यांश में एक तो महाकवि कालिदास का आपको कर लेना है और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आपको कर लेना है, बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर ये करो, एक इसको भी कर ले, ये भी IMP है, तो ये इसके उत्तर लिखे हैं। और उसके अलावा आगे अगर आप करना चाहो तो आप लोग यहाँ से इनको देख लें और इनको याद कर लें। और इसी के अलावा यहाँ से आपसे संस्कृत भाषा का आपसे निबंध पूछा जाएगा, आप लोग इसको भी तैयार कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैंने आप सभी को सभी प्रश्न और उनके उत्तरों को बहुत अच्छे से बता दिया है, तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।